वेलकम गाइस, मैं सोनिया आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग है मेरे बेटे के पार्क को लेकर, तो चलो हम आप लोगों को एक नया पार्क दिखाते हैं न्यूरम्बर्ग सिटी का, जो बहुत सुंदर है। उसका जो नाम है वो सिटी पार्क है। तो ब्लॉग में आखिर तक बने रहे, मिलते हैं, चलिए आइए। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सिटी पार्क। और ये चैलेंज कर दो। पहले हम लोग जा रहे थे ट्रैम से, अभी ट्रैम लेट है तो मैंने सोचा कि थोड़ा वॉक करके निकलेंगे। तो आगे वॉक करेंगे और आगे चल के हम लोगों को रेलवे स्टेशन से ट्रेन मिल जाएगी, तो हम लोग रेलवे स्टेशन से चलेंगे। तो आगे रेलवे स्टेशन है तो वहाँ से हम लोगों को जाने के लिए ट्रेन मिल जाएगी, तो हम लोग ट्रेन से वहाँ पर सिटी पार्क जा सकते हैं। तो देखते रहिए। हम लोग आ गए रेलवे स्टेशन, तो अभी आगे हम लोगों को मिलेगी यहाँ नीचे से ट्रेन। तो पीछे देखे ट्रेन आ रही है, ट्रेन आएगी तो उसी से हम लोगों को जाना है। अभी आगे दिखाती हूँ। अभी हम लोग पार्क के अंदर एंट्री कर चुके हैं, आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का। बहुत सुंदर सुंदर ट्री, बहुत कलरफुल ट्री है यहाँ पे। ये देखिए हमारे यहाँ
ये सिटी पार्क है, क्या बोलूँ उसको, मुझे लगता तो नहीं है कि ये पार्क है, क्योंकि यहाँ इतने सुंदर सुंदर पार्क कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? ये देखिए, ग्रास पे भी फ्लावर है, वाइट वाइट। ये देखिए, यहाँ पर डक भी रहती है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर, मतलब यहाँ आकर ना बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है, सुकून मुझे तो बहुत मिलता है, अच्छा लगता है। एक्चुअली यहाँ जैसा दिख रहा है, ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, ऐसा व्यू आपको म्यूनिक में भी देखने को मिलेगा। वहाँ पे भी है ऐसा एक जगह है म्यूनिक में, जिसको सामने अभी मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ फाउंटेन भी है सामने, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, हल्का हल्का दिख रहा होगा आप लोगों को फाउंटेन। ये देखो मेरे वीडियो में ये क्रो भी आ गया, जर्मनी का क्रो, बहुत डार्क होते हैं, जेड ब्लैक। ये ट्री देखिए, इसकी जो डंगाले हैं देखिए यहाँ तक लटक रही हैं, दिख रही है मेरे हाथ में भी है। हमारे यहाँ बरगद का ट्री होता है, जिसमें हम लोग जब पूजा होती है ना, मम्मी लोग करती थी बचपन में, तो हम लोग इसको पकड़ के ही झूला झूलते थे, पर इसको अगर पकड़ के झूलेंगे ना तो पेड़ नीचे आ जाएगा। येलो वाइट ग्रीन हर जगह आपको यहाँ पर ये डस्टबिन भी मिलेगा पार्क के अंदर, हर जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर में। ये वर्गंडी कलर का ट्री है, वर्गंडी कलर का ट्री है, मैंने भी बहुत कलर किया इस कलर का बालों पे, हेयर कलर बहुत यूज़ किया मैंने इस कलर का, कलर बहुत अच्छा लगता था पर अभी नहीं करती हूँ। हेलो डक, कैसी हो? Are you tired? Yes? No? Hello, say hello. Hello, duck. ये डक ना मुझसे बात नहीं कर रही है, वो सो रही है, उसको नींद आ रही है। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर डक होती है। ये फंस गई है, अभी ये सोच रही है मैं कहाँ निकलूँ, ये बड़ी स्पीड में भाग रही थी, मैंने इसको ना पकड़ लिया अभी, अब ये कहाँ भागेगी? अरे वो तो जा रही है, अरे वो तो जा रही है, निकल गई। लो कलरफुल डक है ना, सोहो कैसे चल रही है। अभी थोड़ा, आज संडे है ना, तो काफी भीड़ है यहाँ पे,
वीकडेज में तो उतना नहीं रहता है, संडे और आज वैसे भी सनी डे था, सनलाइट खूब अच्छी थी आज। तो अभी देखिए यहाँ मून भी निकल रहा है, आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। 6:30 है अभी टाइम यहाँ पे, और अभी देखिए मून दिख रहा होगा आपको, हल्का हल्का मून, चंद्रमा निकल रहा है थोड़ा थोड़ा अभी, जैसा दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही यहाँ का व्यू देखने से भी फील होता है। कुछ लोगों को लगता है कि मतलब देखने में यहाँ और सुंदर दिखता है, तो जितना दिखा रही हूँ उतना ही सुंदर दिखता है। मैं फिर से दिखाती हूँ आपको पिंक फ्लावर वाला ट्री, ये सामने पिंक फ्लावर ट्री है। इसके पास फोटो निकलवाओ ना, बहुत अच्छी आती है। ये देखिए पर्पल कलर का फ्लावर है, बहुत कलरफुल है। पर मेरा ना जैकेट आज सभी फ्लावर से मैच कर रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है आज। आज मैजिक हुआ है कुछ, कितना सुंदर फ्लावर है ना पर्पल कलर का, इसमें हल्के हल्के ना अभी फ्लावर खिल रहे हैं, खुल रहे हल्के हल्के, अभी खुल रहे हल्के हल्के। ये देखिए पिंक फ्लावर है, मुझे लगा था ये रोज़ होगा, पर ये रोज़ नहीं है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। पर एक चीज़ होती है यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये अभी कली खिल रही है, ये देखिए कली अभी हल्की हल्की खुल रही है, ये खुल रही है हल्की हल्की, ये खुल चुकी है धीरे, देखो ये खुल रही है। यहाँ पर ना खुशबू नहीं होती है, बस एक प्रॉब्लम है। यहाँ फ्लावर बहुत दिखेंगे आपको, बहुत कलरफुल फ्लावर रहते हैं, पर जो इंडिया में जो फ्लावर मिलते हैं उनमें जो खुशबू होती है ना, वो इन फ्लावर में खुशबू नहीं होती है। जो ये फ्लावर होते हैं ना यहाँ के, इसमें खुशबू नहीं होती है। इंडिया के फ्लावर बहुत खुशबू होती है, यहाँ तो रोज़ में भी खुशबू नहीं होती है। देखो नीचे दिख रहा होगा आपको, येलो वाइट ग्रास पे फ्लावर है, बहुत अच्छा लगता है। ये ना सामने
आज के ब्लॉग में आपने देखा कि मैंने यहाँ के कलरफुल लीव्स दिखाए हैं आप लोगों को, सुंदर सुंदर। तो कैसा लगा ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहें और देखते रहें ऐसे नए नए ब्लॉग मेरे साथ। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग।